फिर आपका जो हमारा विषय आज का है, बताओ क्या विषय है? सामाजिक मूल्य व्यवहार के डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोसोशल बिहेवियर। निर्धारक क्या होते हैं? जिन चीजों के कारण कोई चीज होती है, कोई घटना होती है, वो निर्धारक होती है। आप समझे चीज को? यानी कि प्रोसोशल बिहेवियर किन कारणों से होता है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं जिनके कारण से व्यक्ति प्रोसोशल बिहेवियर करता है, पीएसबी करता है, सामाजिक उन्मुख व्यवहार करता है। सामाजिक उन्मुख व्यवहार क्या है, मैं आपको बता सकता हूँ, स्टिल एक बार बता देता हूँ। किसी व्यक्ति की मदद करना, दूसरे व्यक्ति की या व्यक्तियों की मदद करना बिना उससे कुछ बदले में चाहने की इच्छा रखे बगैर, कि आपको कुछ मिले या ना मिले लेकिन आप किसी की मदद करते हैं, आप समझे ना, वो होता है प्रोसोशल बिहेवियर यानी सामाजिक उन्मुख व्यवहार। अब नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने एक बार आपको बताया, फिर बताता हूँ। सामाजिक उन्मुख और सहकारी, ये सहकारी क्या होता है, सब कोऑपरेटिव बिहेवियर, कोऑपरेटिव होता है ना, आप एक दूसरे की मदद करते हो, ये सहकारी यानी सामाजिक उन्मुख और सहकारी व्यवहार मानव के विकास का आधार होता है। प्रोसोशल बिहेवियर इज द बेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव का विकास हुआ ना प्रोसोशल बिहेवियर से हुआ है, एक दूसरे की मदद करते करते आज हम इस रिश्ते तक आए, आप समझ रहे हो चीज को। तो ये सामाजिक व्यवहार यह सुनिश्चित करता है कि जीन के माध्यम से मानव वंश आगे बढ़े। मैंने उसने आपको बताया था कि व्यक्ति इंडिविजुअल क्यों हमेशा काम करते हैं, दूसरे की मदद क्यों करते हैं, इसलिए मदद करते हैं, इसका एक ही परिणाम है, एक ही इसका कारण है कि हमारा वंश मानव जाति बची रहे, आगे बढ़े, इसीलिए व्यक्ति प्रोसोशल बिहेवियर करता है। और प्रोसोशल बिहेवियर यानी कि सामाजिक उन्मुख व्यवहार केवल इंसानों में नहीं जानवरों में भी पाया जाता है, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, और यह इंसानों में जन्म से पाया जाता है, यानी कि आपके पास जो ये ट्रेड होता है प्रोसोशल बिहेवियर का जो गुण होता है, ये आपको जन्म से ही मिला होता है, गिफ्ट में मिला होता है। जन्म से और क्या क्या मिलता है गिफ्ट में, आपको कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, सारी चीजें जो आज हमारे पास है, कुछ एक्सपीरियंस को छोड़ के बाकी सारा जन्म से मिला होगा। आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, आप बड़े होकर मोटे होंगे कि बिल्कुल लकड़ी जैसे रहेंगे, ये सारे ट्रेड, ये सारे गुण, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम बर्थ। इसी प्रकार प्रोसोशल बिहेवियर सामाजिक उन्मुख व्यवहार भी हमें कहां से मिलता है, जन्म से मिलता है। उसके कुछ निर्धारक होते हैं जिनके कारण से व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करता है, आप देखेंगे सबसे पहला है सामाजिक निर्धारक, दूसरा है व्यक्तिगत निर्धारक, सांस्कृतिक निर्धारक, सिचुएशनल डिटरमिनेंट यानी परिस्थिति परक निर्धारक है, और सोशल मीडिया, इसमें सोशल मीडिया को हमने जोड़ दिया। चलिए एक एक डिसाइड एक एक बताएंगे, एक एक चीज करके बताएंगे। इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा वाकर ने 1969 में एक बात बताई थी, ये कहा था कि जो भी विज्ञान है दुनिया में, जो भी विज्ञान है वो एक सामाजिक उपक्रम होता है, सोशल प्रोसेस होता है। क्यों भाई, सोशल एंटरप्राइज क्यों होता है कोई भी विज्ञान? आपको बताता हूं मैं, कोई भी विज्ञान मान लिया जाए, आप बोल रहे थे, आप कुछ बोलो, किसी को कुछ आइडिया हो, सोशल उपक्रम कैसे होता है, सामाजिक उपक्रम समाज में प्रोजेक्ट होता है, उसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी विज्ञान है, आपके मन में कोई भी विज्ञान का विषय आता है, मुझे एग्जांपल बताओ, विज्ञान का विषय बताओ, कोई विषय तो बताओ, बोलो, फिजिक्स, क्या बताया आपने, फिजिक्स यानी कि भौतिकी, भौतिकी हो गया ना फिजिक्स के अंदर। अब आप देखो फिजिक्स में जितने भी फिजिक्स के कारण जितने भी इन्वेंशन हुई है, डिस्कवरीज हुई है, जितनी हुई है, उनका फायदा क्या है, जब तक उसका मानव के लिए फायदा नहीं, इन्वेंशन करने का कोई फायदा नहीं है ना। यानी कि आपने किसी साइंटिस्ट ने कोई चीज बनाई, वो उसका तभी फायदा है जब हमारे इंसानों के लिए उसका यूज हो, फालतू की बकवास मशीन बनाने का कोई यूज ही नहीं है, तो कोई फायदा है, यानी वही चीज मार्केट में बिकेगी जिसको लोग पसंद करेंगे,
इसका कोई ना कोई हमारे इस्तेमाल होगा, आई बात समझा आपको, तो इसलिए सोशल सामाजिक उपक्रम है क्योंकि उसका इस्तेमाल जब तक चीजों का नहीं होगा उस विज्ञान का कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रत्येक विज्ञान एक सामाजिक उपक्रम होता है यानी सोशल एंटरप्राइज होता है, कोई भी डिस्कवरी कोई भी इन्वेंशन होती है तो मानव के फायदे के लिए हित के लिए अगर हुआ है लोग उसको स्वीकार करते हैं, नहीं तो लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं। समझा? अब दूसरा देख, अब यहां से शुरुआत करते हैं सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण क्या होता है उसको पढ़ के बता सकते हो? व्हाट इज योर सोशल एनवायरमेंट? आसपास का एनवायरमेंट जो होता है, इमीडिएट एनवायरमेंट, अभी आपका सामाजिक एनवायरमेंट जो है ये सारा है, जैसे क्लास, घर में आप जाते हो, आपका घर और आपका आस पड़ोस जो है आपका सामाजिक पर्यावरण है। तत्काल भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां, जेब में कितना पैसा है, सब स्थिति आपकी कैसी है और भौतिक परिस्थितियों को मिला के हमारा क्या बनता है सामाजिक पर्यावरण। ये भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक निर्धारक है। सामाजिक पर्यावरण अच्छा होगा मान ये जो परिवार में आएगी बात आगे आएगी, जिस परिवार में लोग प्रोसोशल बिहेवियर ज्यादा करते हैं उसके आसपास के लोग और उस परिवार के बच्चे भी ज्यादा प्रोसोशल बिहेवियर करते हैं, सामाजिक व्यवहार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। ठीक, ये सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन पड़ता है। दूसरा सामाजिक प्रबलन, प्रबलन सब पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा री इन्फोर्समेंट, बीएफ स्किनर की ऑपरेट कंडीशन पड़ी होगी ना, उसे बताया होगा प्रबलन, ये जो आपको पुरस्कार मिलता है एक तरह से, और वो पुरस्कार तो मिलता है लेकिन पुरस्कार के कारण अगर आप उसी व्यवहार को बार बार करते हो तब उस पुरस्कार को प्रबलन कहेंगे। समझे आप जिसको? कोई आपने काम किया और आपको कोई तुम्हारे बेटा बहुत बढ़िया गया, लड़की सिर्फ का आधे बेटी बहुत अच्छा किया, फिर वही काम दोबारा करोगे तब वो चीज जो है आपकी प्रबलन। इस प्रकार से देखोगे आप बाहरी घटनाएं, बाहरी घटनाएं कौन कौन सी होती है? मन के बाहर की, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पीठ थपथपाना, मुस्कुरा देना, सच्ची प्रशंसा, केवल झूठी प्रशंसा कर देते हैं, झूठी प्रशंसा कोई असर नहीं होता है। उसके बाद स्वीकृति, ध्यान से सुनना इत्यादि। स्वीकृति क्या होती है? सहमति देना। आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, जब आप लेक्चर देते हो कुछ बोलते हो ये हर किसी के साथ होता है, अगर आप चाहो कि लेक्चर देने वाले मेरी तरफ देखे टेक्निक बताया था आपको, आप दो तीन बार करते रहे चला देना, दो बात कह आपको समझ में आया हाँ ठीक है, तो अपने आप आपकी तरफ देख ले जाएगा। वो स्वीकृति है क्यों? क्योंकि जो बोलने वाला है उसको क्या मिला है? उसको रिपोर्ट मिला, हाँ मेरी बात को सुन रहा है, तो क्या करेगा? ध्यान से उसी की तरफ देखो। अभी कभी ट्राई किया आपने चीजों को? लेट अस ट्राई, आप कभी ट्राई करना, ये वो होती है स्वीकृति। आप कोई करते बैठे बैठे सो रहा है कोई लादी वजह से उसे देखना शुरू कर देगा। आप भी जब कभी लेक्चर दो ना तो जब आपके साथ भी ऐसा ही होगा, जो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा बार बार आप उधर ही देखोगे। क्यों? क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता है, रीइन्फोर्समेंट मिलता रहता है कि मेरी बात कम से कम कोई तो सुन रहा है। समझे इस चीज को आपको? इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने की प्रॉब्लम ये होती है स्वीकृति और उसका ध्यान से सुनना। होता ना कई बार कि हम किसी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, जब ध्यान से हम नहीं सुनते तो क्या होता है, व्यक्ति जो है पूरी बात मन के बताना चाहेगा बता नहीं पाता है। आज कल मोबाइल के साथ ऐसा पंगा है ना, है ऐसी बात क्या है, हम बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हो वहां से लिए आपकी मीटिंग हो जाएगा, उससे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, सब तो सुनते नहीं हमारी बात, लेकिन अगर आप ध्यान से आप सुनोगे तो मैंने बताया आपको तो आपको सामाजिक प्रबलन मिलता है, वो भी प्रोसोशल बिहेवियर का एक बहुत बड़ा निर्धारक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ प्रोसोशल बिहेवियर, सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक जिम्मेदारी जब आप समझने लगते हो, समाज के कल्याण और लाभ के लिए कार्य करने का दायित्व, समाज के कल्याण के लिए काम किया आपने कभी? किसी ने किया है? लाभ के लिए किसी ने किया है? बताओ, इज एनीवन हैज कंट्रीब्यूटेड इन सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने किया? बताओ, हाँ है ना, किया है, हमारे सभी ने किया है, किया सभी ने, कैसे सभी ने कैसे किया, उन लोगों ने कैसे किया? भाई सामाजिक कल्याण का मतलब यहाँ केवल यही नहीं है कि जेब निकाल के पैसे दे दो, आप एक जिम्मेदारी से पढ़ रहे हो, ये भी सामाजिक कल्याण का काम है। समझ रहे हो इस चीज को? आप पढ़ रहे हो अच्छे से कॉलेज में आकर टाइम से क्लासे लगा रहे हो, ये भी एक सामाजिक कल्याण है। इसमें समाज का क्या फायदा है? समाज का बहुत बड़ा फायदा है इसमें, क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान आप बन रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू आर गोइंग टू बिकम, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी। जब आप जिम्मेदार हो, आपको कायदे कानून की, आपको एटिकेट्स की नॉलेज है, आपने शिक्षा ग्रहण की है, आपका व्यक्तित्व बिल्कुल निखर गया है, तो आप समाज में ना क्राइम करोगे ना करने दोगे,
समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाओगे तो आने वाले समय में इस समाज की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आएगी। तब क्या होगा, अगर जो व्यक्ति चोर चक्के है जो क्लास कॉलेज में नहीं आए उसी तरह से चलाएंगे समाज में। लेकिन आप ये भी सामाजिक कल्याण का काम समझ रहे हैं आप, तो आप आज सीना तान के लाना कि हम रोज सामाजिक कल्याण काम करते हैं। सो यू आर हैप्पी नाउ, कुछ सुना भी आप कि आप डेली सोशल वेलफेयर काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। अगर आप डेली क्लास में आगे पढ़ते हो, फिर देखो सामाजिक न्याय। हाँ, कोई क्वेश्चन आपके बीच में कुछ बोल रहा था, एनी क्वेश्चन? हाँ, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, समाज के साथ निष्पक्ष और न्याय संगत संबंध, ये क्या होते हैं? धन का, पैसे का जो वितरण है, जिन समाज में जिन समूह में पैसे का वितरण समान अवसर मिलते हो, सामाजिक निष्पक्षता हो, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार हो, तो वहां पर भी उन लोगों में प्रोसोशल बिहेवियर ज्यादा पाया गया है। यानी वो भी एक इम्पोर्टेंट निर्धारक है, सामाजिक निर्धारक है, किसका? पीएसबी का, प्रोसोशल बिहेवियर का। इंग्लिश किसी को इंग्लिश में चाहिए भाई, कोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर अगर सामाजिक मानक, सामाजिक मानक मैंने आपको बताए थे अलिखित नियम, ये भी एक तरह से प्रोसोशल बिहेवियर का निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट देखोगे आप पारस्परिकता, आपसे लेन देन, आपने मेरी मदद की मैं आपकी कर दूं, होता कैसे या नहीं नहीं करते हैं, ऑब्लिगेशन हो जाते हैं एक तरह से व्यक्ति को, ये होते पारस्परिकता, ऐसी प्रोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक। एक इंडिविजुअल दूसरे की मदद करता है तो दूसरा भी उसकी मदद करता है, इस प्रकार से कड़ी बन जाती है। पीछे से एक मुझे एग्जैक्ट चीज याद नहीं है, वो एक घटना हुई थी चेन्नई में, चेन्नई में घटना हुई थी, एक ट्रेन से एक व्यक्ति नीचे उतरा और उसने ऑटो में बैठ गया, ऑटो में बैठ गया तो उसने कहा कि भाई ऑटो वाले से बात करने लगा, लोग जरूरी बात करते हैं कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहने वाले हो, कितना कमाते हो, बच्चे क्या करते हैं, जब तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो उसने पता कर लिया उसके बारे में सारी बातें जब उसने पता कर ली, उसने कहा कि बताया, ऑटो वाले ने बताया था कि सब दिन में हम 500 से 600 रुपए कमा लेते हैं और परिवार चल जाता है, इस तरह से उन्होंने बातें बताई। तो उस व्यक्ति ने पूछा, भाई ऑटो में मीटर लगे होते हैं, आपने देखे कहीं पर दिल्ली में कितने डिस्टेंस के हिसाब से मीटर लगे होते हैं, मीटर में देखा तो उसका जो किराया आया था 140 रुपए 150 रुपए के आसपास था, लेकिन उसने क्या किया, अपने जेब से 1000 रुपए निकाल उसको दे दिया ऑटो वाले को, ऑटो बड़ा खुश हुआ, भाई क्लस्टर नहीं थे तो मेरे बने नहीं, आपने दे रहे, उसने कहा कि भाई एक काम करना, आपने मुझे अभी बताया कि आप सारा दिन में 500 से 600 या 700 रुपए कमा लेते हो, आज शुरुआत सुबह सुबह मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं, इसको रखो आप, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, मैं चेक करने नहीं आऊंगा ना आपसे कुछ पूछूंगा, शर्त यह है कि आज सारा दिन आपके ऑटो में जो भी बैठेगा उससे आप पैसा नहीं लेंगे। अगर आप वादा करते हो तो उसने कहा कि हाँ सर मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं, पर उसने ऑटो वाले के मन में जिज्ञासा जागी, ऑटो वाले सारे खराब नहीं होते हैं, जिज्ञासा जागी सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप, उसने कहा कि ये एक तरह से चेन एक प्रक्रिया है, जैसे मैं इस तरह से ये काम करके किसी की मदद कर रहा हूं उससे किसी और को मोटिवेशन मिलेगा, इसको प्रॉब्लम मिलेगा, 1000 रुपए मेरे लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन आप जब किसी को बात कई लोगों को बताओगे, सारा दिन लोग आप ऑटो में बैठेंगे तो जब आप किसी को बताओगे तो लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और ये एक तरह से क्या होता है सामाजिक प्रमुख व्यवहार होता है, आप समझे चीज को, ये घटना भी इसमें आप देखते हैं, ये पारस्परिकता आपसी लेन देन। फिर देखते हैं सामाजिक विनिमय, विनिमय का अर्थ पता किसी को, विनिमय का लिखा होगा आगे एक्सचेंज, पता है एक्सचेंज का, एक दूसरे से एक चीज देना, हो आप मुझे चॉकलेट दे दो मैं तुझे ऑफर देता हूँ, है एक्सचेंज करते ना, तो पैसे वाले एक्सचेंज नहीं भाई, पैसे नहीं एक्सचेंज, वो चीजें जैसे ब्रेक का चॉकलेट खा रही है, हमारे पास लड्डू है, ठीक है, हमारे पास लड्डू पसंद नहीं लेकिन चॉकलेट पसंद है, तो हम बदल लेते हैं, हम एक्सचेंज वस्तुओं का एक्सचेंज और विचारों का भी आदान प्रदान होता है, विचारों का एक्सचेंज कैसे होता है, विचार लेते देते नहीं, से हम किसी को ज्ञान दे देते हैं, कोई बात हम किसी को बता देते हैं, हाँ बिल्कुल, हम किसी को बात बता देते हैं और वही बात कहीं और जाके बोल देता है, ठीक है, यानी जो आइडिया एक्सचेंज ऑफ आइडिया, सामाजिक विनिमय, देखो ये कम से कम दो व्यक्ति मूर्त या अमूर्त,
ये मैं आपको फिर बार बार बताते रहता हूँ भाई, ये मूर्त क्या है? देखा जाए उसके पास से ये है कि हमारी इंद्रियों के माध्यम से, पांचों इंद्रियों के माध्यम से जिस भी वस्तु को हम प्रत्यक्षण करते हैं वो वस्तु मूर्त होती है। और अमूर्त कौन सी होती है? जिनका प्रत्यक्षण नहीं करते, इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्षण नहीं कर पाते। आप मुझे मूर्त का एग्जाम्पल बताओ कोई। हवा, धूप है, ये भी है, छाया, सारे मूर्त है ना। अमूर्त का एग्जाम्पल बताओ कोई, इंटेंजिबल का, आपकी भावनाएं और इंटेलिजेंस, स्मृति, और बताओ क्लास, क्लास भी है, कॉलेज सर, कॉलेज बिल्कुल अमूर्त है। कॉलेज को भाई आप छू सकते हो किसी पकड़ के, कॉलेज को या देख सकते हो भाई, तो वैसी तरह से एक कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट है वो भी अमूर्त। अब आप समझ में आ गए आपको? ये कहते हैं कि होम्स बताते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी मूर्त या मूर्त वस्तु का, टेंजिबल इंटेंजिबल वस्तु का आदान प्रदान संबंधित होता है। कमोबेश, कमोबेश क्या होता है? थोड़ा बहुत कम या ज्यादा, कमोबेश पुरस्कृत आदि का आदान प्रदान की गतिविधि होती है, यानी सोशल एक्सचेंज मतलब किसी वस्तु का आदान प्रदान। इतना समझो आप, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ रहे हम लोग? ये पीएसबी प्रोसेस बिहेवियर डायरेक्ट। हाँ, इसका साफ करते जाना। अगला देखे, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आपने देखा ना गांव में या शहर में जिसके पास पैसे हो जाते हैं लोग उसके घर आना जाना शुरू कर देते हैं, गांव में नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, गांव में करते हैं। या आपको अंदाजा नहीं है, आप ये अभी हमारा ईगो है आपका, हम तो नहीं जाते किसी के लिए, बिल्कुल होता है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी जिसका सामाजिक स्थिति और उसके बाद पैसा है दोनों चीजें ज्यादा है। आप देखेंगे व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जब किसी की मदद करने की बात पड़ती है तो कम पैसे वाले लोग जिसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कम होता है वो ज्यादा सामाजिक उन्मुख व्यवहार करते हैं। सर बराबर वाला विकास, हाँ बराबर चले जाना आप। व्यक्तिगत स्तर पर आप समझ लो चीज को, व्यक्तिगत स्तर पर जब किसी व्यक्ति को किसी की मदद करनी होगी ना तो जिनका सोशल स्टेटस कम होता है सामाजिक व्यवहार वो लोग ज्यादा करते हैं। आप समझे चीज को? और ये बताते हैं, ये रिसर्च से पाया गया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा है भाई, ये कौन से निर्धारक है? इससे पहले जो मैंने पढ़ाए आपको बताए सामाजिक सोशल डिटरमिनेंट्स, नाउ विल गो टू पर्सनल डिटरमिनेंट्स यानी व्यक्तिगत निर्धारक। इसमें आएगा क्या क्या? तद्रुप बुद्धि, तद्रुप बुद्धि क्या होता है? इम्पैक्टी, इम्पैक्टी क्या होता है? दूसरे की भावनाओं को समझना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तद्रुप बुद्धि, अंग्रेजी में एम्पैथी, क्या कहते हैं? यानी कि ये भी दूसरों की भावनाओं सभी को समझना महसूस करने की क्षमता को हम तद्रुप बुद्धि कहते हैं। और तद्रुप बुद्धि सामाजिक उन्मुख व्यवहार का आधार होती है। जिस व्यक्ति में तद्रुप बुद्धि ज्यादा होगी ऐसे लोग ज्यादा सामाजिक उन्मुख व्यवहार करते हैं, या जो दूसरे की भावनाओं को फीलिंग को समझ लेते हैं वो ज्यादा सामाजिक उन्मुख व्यवहार करते हैं। कैसे? कोई एग्जाम्पल बता सकता है इस चीज का? सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप क्लास में आए हो, पिट के आए हो घर से, और मैं पढ़ा लेक्चर शुरू कर दूं, क्या होगा? दिमाग में तो नहीं घुसेगा, साथ साथ में मेरे ऊपर गुस्सा आएगा। सामने वाले को हमें आपको समझना चाहिए कि आपकी जो फीलिंग्स है, भावनाएं कैसी है। चलो ठीक है, आप तो सब पिट के आए हो, थोड़ा नहीं पढ़ा, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो फीलिंग है, भावनाएं समझ, वो तब कहा जाएगा कि मास्टर तो तुम होती है, ये तो नहीं है इसमें, ऐसे ही है तो आते शुरू हो जाता है। ठीक, देखो नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग, रीजनिंग समझते हो? मोरल रीजनिंग, ये काम करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कब होता है ये सब? वो भी एक इम्पोर्टेंट है। मानवीय सोच का एक प्रकार का स्वरूप जो निर्धारित करता है कि कोई विचार सही है या गलत है। कोई बात हम कहते हैं कि आप जैसे मान लिया जाए मैं रो जाता हूँ जब यहाँ से कॉलेज में मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लड़के दीवार फांद के अंदर कूदते हैं, एक दिन तो कवाले हो गया, लड़कियां भी कूद रही थी, मैं सोचा कि कार रोक के वीडियो बना लो,
तो देन मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई मेरी बारिश हो रही है, लगने लगा कि भाई बारी थोड़ी थोड़ी बराबर है तो कॉलेज में बड़ा देवर जमीन लाइक हम लोग वहाँ से नहीं मगर पीछे वाला गेट है दीवार है उस दीवार में से बच्चे कूद जाते हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स गर्ल्स भी कूद जाते हैं वो गेट खुलवाना उचित नहीं है क्योंकि सारे बच्चे आ जाएंगे और जाएंगे लड़ाई झगड़े होंगे आपके कॉलेज का माहौल बिगड़ेगा तो पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। हाँ हम तुम्हारी ड्यूटियां लगाते फिर वहां पर फिर ये काम रह जाएगा कि और ड्यूटी देते मेरे बट गेट पर तो ज्यादा बांधे जाए मतलब वहां से दीवार आप लोग वहां से दीवार अंदर से क्यों नहीं लंबा पड़ा जी ये देखो आप ये सारी बातें करके आप तर्क वितर्क कर रहे हो नैतिक तर्क अपने हिसाब से आप दे रहे हो कौन चीज सही है कौन सी गलत है ठीक है। चलिए नेक्स्ट भावदशा भावदशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई भावदशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं मन की स्थिति मन की स्थिति अंग्रेजी पूछा मैंने आपने इसको अंग्रेजी पढ़ा दी इमोशनल बताया था मैंने इसको एक शब्द मैं लिख के बता रहा हूँ देखना आप पढ़ के बता रहे क्या है बहुत अच्छा कहते हैं पहले आगे मूड अच्छा बहुत बढ़िया है मूड और उठने का मन कर रहा है कभी ऐसा मन होता है हौसलों से उड़ान होती है पंखों को उड़ान नहीं होती है बाद में सुनाएंगे बहुत अच्छा यानी आपका मूड कैसा है ये देखने तारक है अगर किसी व्यक्ति का मूड अच्छा है तो प्रोसोशल बिहेवियर में अंगेज होगा काम करेगा किसी की मदद करेगा और खुद का मूड खराब है तो क्या मदद करेगा खराब हो भावनाएं भावनाएं क्या होती है पढ़ के बताओ एक आंतरिक व्यक्ति पर भावशाली मदद मिलती भावनाएं कभी कभी आपके मन में भावनाओं का उमड़ आता है आया कभी जी थोड़ी देर में आंसू टपक जाते हैं थोड़ी देर में आप बिल्कुल खुश और कभी कभी मूड खराब तो ये ऐसी स्थिति है वो अत्यंत किसके कारण होती हो उद्दीपक उद्दीपक क्या होता है जीवन कोई घटना होती होता है वो उसके कारण से यानी भावनाएं भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्धारक है किसका निर्धारक किसका ये